बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है तमाम व्यूवर्स का? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि आज है फ्राइडे का दिन और फ्राइडे वाले दिन ज़रा स्पेशल किस्म का नाश्ता हो जाता है। और ये मेरा कटिंग बोर्ड भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है, मुझे दूसरा निकालना है। तो बस ये है कि कौन उसको निकाले, कोई निकाल के दे दे तो इस्तेमाल कर लेंगे, वरना नहीं तो दूर से चीज़ निकालना ज़रा मुश्किल होता है। ये 3 का पेयर था तो इसलिए एक जो है मैंने इस्तेमाल किया और वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है। और यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर दोनों कट किए हैं, और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर अंडे शामिल कर दूँगी और बस हल्की सी मिर्चें शामिल करूँगी और 7 नमक इसके अंदर शामिल करके तो ऑयल में इसे मैं फ्राई कर लूँगी। और बस यहाँ पे मेरा नाश्ता तैयार हो चुका है और हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो बच्चे तैयार होंगे और फिर हम लोगों ने जाना है सुपरमार्केट। चलो बच्चों, लिफ्ट आ गई है। توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك बच्चों ने यहाँ पर साइकिल अपनी रखी हुई है और साइकिल ले रहे हैं। चलो चलो चलो, अब्दुल वासे भी आ गया है और बच्चे ने लेके जा रहे हो। उधर कहाँ लेके जा रहे हो? और बच्चे यहाँ पे बिल्लियों को देखने के, और ये बच्चे जो हैं यहाँ पे बिल्लियों को देखने के लिए आ गए। ये दो ऊपर खड़ी हुई हैं बिल्लियाँ। बच्चे गए हैं यहाँ से चीज़ लेने के लिए और फिर हम लोग उसके बाद जाएंगे सुपरमार्केट। और हवा जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चल रही है, मौसम बहुत अच्छा सा हो रहा है। अब्दुल वली तो आ गया है, आइसक्रीम लेकर आया है, और अब्दुल वासे भी लेकर आ गया है चीज, और अला भी आ गई है पिज्जा लेके। अला ने कुछ नहीं लाया। यहाँ पे मैं आई हूँ फ्लेमिंगो मॉल के कारफोर में। यहाँ पे काफ़ी दिनों के बाद मैं आई हूँ, जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ तब से नहीं आई।
और मैं कारफोर में आई हूँ कुछ ग्रॉसरी करने के लिए। कारफोर के बाहर खड़े होकर इंतज़ार हो रहा है, बच्चे अंदर चले गए हैं। देखते हैं कब तक आते हैं बच्चे। बच्चे भी आ गए हैं लेके, पता नहीं क्या लेकर आए हैं, देखते हैं। जो कि पेट को संभालना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आपको इनकी फुल टेक केयर करनी पड़ती है, इनका ख्याल रखना पड़ता है। और मुझे बिल्कुल भी घर में पेट अच्छे नहीं लगते। और हम लोगों ने यहाँ से बिल्ली वगैरह नहीं खरीदी, क्योंकि इससे पहले जो है वो बच्चों के लिए ही दो तोते खरीदे थे। तो फिर हम लोग उसी दौरान जो है वो ताइफ गए, और हुआ ऐसे कि वो मेरे हस्बैंड के हाथ से पिंजरा गिरा और उसका दरवाज़ा खुल गया और उनमें से एक तोता जो है वो उड़ गया। और फिर हम लोगों ने सोचा कि दूसरे को भी उड़ा देते हैं, क्योंकि एक के साथ ही वो रह रहा था और तब भी वो ज़िंदा रह रहा था। तो खैर हम लोगों ने काफ़ी देर पिंजरा खोली रखा, पर लेकिन दूसरे वाला जो है वो तोता बिल्कुल भी नहीं उड़ा, और हम लोगों को घर लेकर आना पड़ा। और सोचा यही कि हम लोग उसको उड़ा दें, खोल के रखी रखा पिंजरे का दरवाज़ा, पर लेकिन वो नहीं उड़ा। तो बस यहीं तक थी मेरी आज का ये भी व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।